हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फिर क्रोशिया का एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए दो कलर ले लिए हैं, एक रेड है एक वाइट। एक लाइन डीसी रेड कलर से हम बना लिए हैं। अब हम लेंगे वाइट कलर। उसके बाद जो रेड कलर का फंदा है उसमें से हम ये सफ़ेद वाला फंदा पास करेंगे और उसमें फंसा के अपनी डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो पहले तीन चार चेन हम बनाएंगे बिल्कुल साइड में। उसके बाद दो तीन चेन छोड़ के हम एक ही फंदे में चार डीसी बनाएंगे। ये हम चार डीसी बना चुके हैं। उसके बाद फिर तीन चेन बनाएंगे। उसके बाद उसी हिसाब से हमको नीचे अपनी जाली छोड़नी है। अगर ऊपर आप दो फंदे की चेन बना रहे हैं तो दो नीचे छोड़ेंगे, और अगर तीन फंदे की चेन बना रहे हैं तो तीन छोड़ेंगे। उसके बाद फिर चार डीसी बनाएंगे। अब इस तरह से हम पूरी लाइन अपनी बनाएंगे। यही डिज़ाइन अगर आप चाहें तो चेन या डिज़ाइन ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ मैं तीन चेन और चार डीसी का डिज़ाइन बना रही हूँ। इसी तरीके से पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन पूरी हमारी हो चुकी है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे और दूसरी लाइन दूसरे कलर से बनाएंगे। साइड में हम चेन बना लेंगे, दो या तीन चेन अपने डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद सेंटर में इस तरीके से डीसी बनाएंगे एक चेन में। उसके बाद बीच में दो चेन बनाएंगे और फिर डीसी बनाएंगे। तो सेंटर में हमारी दो दो डीसी बनते हुए जाएगी और दोनों डीसी के बीच में दो चेन हमारी रहेगी। उसके बाद फिर दो चेन बनाएंगे और सफ़ेद वाले डिज़ाइन में इस तरीके से एससी से बांध देंगे। फिर सेंटर में हमारी डीसी बनेगी। डीसी के बाद दो चेन, फिर एक डीसी। अब इस तरह से ये लाइन हम बनाते हुए चले जाएंगे।
पहली लाइन हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो डिज़ाइन हमारी डीसी वाली है उसके बीच में हम रेड कलर की डिज़ाइन बनाए हैं। तो अब इस लाइन में जो सफ़ेद वाली डिज़ाइन है वो डीसी के बीच में हमारी बनाई जाएगी। सेम पहले ही लाइन पहली लाइन ही की तरह है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले हम किनारे चेन या डीसी जो आपको आसान लगे वो बना लें। उसके बाद जो डीसी हम बनाए थे रेड वाली उसमें हम सफ़ेद वाली अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। चार डीसी, तीन चेन, उसके बाद फिर डीसी जो बनाए थे उसमें हम चार डीसी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो क्रोशिया के डिज़ाइन में जहाँ आपको लगे टाइट या ढीला जहाँ लगे उसी हिसाब से चेन को घटाना बढ़ाना रहता है। अब यहाँ जो है डिज़ाइन में फासला ज़्यादा हो जा रहा था इसलिए इसमें तीन चेन हम बढ़ा लिए हैं। तीन चेन चार डीसी, तीन चेन चार डीसी का डिज़ाइन हमारा जाएगा। उसके बाद रेड वाला डिज़ाइन हमारा शुरू हो जाएगा। अब ये डिज़ाइन हम बना चुके हैं तो दो सफ़ेद डिज़ाइन के बीच में हमारी एक सफ़ेद डिज़ाइन ऊपर बैठेगी। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद रेड वाला धागा एक साइड है, सफ़ेद वाला धागा एक साइड है। जिस साइड से हमारा धागा पड़ेगा उसी साइड से हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। अपना धागा हमको उसी जगह छोड़ देना है। अब रेड वाले धागे से अपनी डिज़ाइन हम शुरू कर रहे हैं। अब फिर सेंटर में इस तरीके से डीसी बनाएंगे और चेन बनाएंगे। उसके बाद इस तरीके से बीचों बीच शुरू करते हुए जाएंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन आप कार्डिगन में डाल सकते हैं, जैकेट में डाल सकते हैं, छोटे बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, हाफ़ स्वेटर, फुल स्वेटर किसी में भी डाल सकते हैं। दो कलर का ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है जब बन के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमको जितना बनाना है, जो चीज़ बनाना है, इसी तरीके से हम अपनी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैं अपनी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली हूँ। इसको आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आगे और लाती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।